पिताश्री, माताश्री महाकाली अंतर ध्यान हो गई हैं। आपको अवश्य ज्ञात होगा पिताश्री कि वो कहाँ गई हैं। भैया, यहाँ तो असंख्य असुर एकत्रित हो रहे हैं। अवश्य किसी बड़े अनिष्ट का संकेत है ये। भैया, माँ क्यों चली गई और कहाँ चली गई? पिताश्री, कदाचित माँ लौटकर पिताश्री के निकट शमशान चली गई है। हमें यथाशीघ्र वहाँ पहुँचना चाहिए। उचित कहते हो गणेश, चलो। प्रणाम पिताश्री। पिताश्री, पिताश्री, कृपया कर अपने ध्यान से बाहर आइए। पिताश्री, माताश्री महाकाली अंतर ध्यान हो गई है। आपको अवश्य ज्ञात होगा पिताश्री कि वो कहाँ गई हैं। कृपया हमें दिशा दिखाइए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए पिताश्री। भैया, पिताश्री तो ध्यान से बाहर आ ही नहीं रहे, अब हम क्या करेंगे? ये तो मेरी भी समझ के परे है गणेश। पिताश्री क्यों शांत हैं? और माता, और माता इस प्रकार अचानक एकाएक क्यों अंतर्ध्यान हो गई? प्रथम पूज्य गणेश जी, माता ने मुझे इतना महान दायित्व सौंपा है, उनकी लीला की गाथा के ग्रंथ को रचने का आदेश दिया है, किंतु अभी भी उनकी लीला पूर्ण नहीं हुई। आपने माता से जो प्रश्न पूछे उसका उत्तर दिए बिना ही वो अंतर्ध्यान हो गई, और उन्होंने सर्वप्रथम श्री मातंगी रूप क्यों धारण किया ये तो हमें अभी भी ज्ञात नहीं। पुत्र गणेश, अब आगे की संपूर्ण कथा तुम स्वयं कहोगे पुत्र। गणेश, माता ने तुम्हें शक्ति प्रदान की है ना कि तुम आगे की कथा ज्ञात कर सकोगे और कहोगे, तो हमें बताओ गणेश कि ये सब क्या और क्यों हो रहा है? माता ने मुझ पर दायित्व सौंपा अवश्य भैया, किंतु मुझे आगे क्या करना है ये बताए बिना ही माँ अंतर ध्यान हो गई, और पिताश्री भी अपने ध्यान में लीन है, इसलिए कदाचित अब हमें किसी संकेत की प्रतीक्षा करनी होगी। ये भस्म और इसमें ये गति कैसी? गणेश क्या हुआ, तुम कुछ कहते क्यों नहीं, और तुम्हारी दृष्टि पिताश्री के चरणों पर ही क्यों टिकी हुई है? भैया वो देखिए, पिताश्री के चरणों की भस्म धरती में किसी प्रकार के कंपन को इंगित कर रही है। मुझे ज्ञात करना होगा कि ये कंपन कैसे हो रहा है। हाँ गणेश, तुम उचित कहते हो, किंतु भूमि में यह कंपन कैसे उत्पन्न हो रहा है? भैया, माँ ने मुझे शक्ति प्रदान की, उसके पश्चात हम पिताश्री के पास उनके मार्गदर्शन प्राप्त करने पहुँचे, और उनके माध्यम से मुझे ये भूकंपन दिखाई दिया। अर्थात भैया, हो ना हो आगे की कथा का सूत्र इस भूकंपन के स्रोत से ही जुड़ा है। हाँ गणेश, कुछ तो है जो घटित हो रहा है, और वो हम सभी के लिए अनिष्टकारी हो सकता है, जिसे रोकना अति आवश्यक है गणेश। किंतु ये ध्वनि आ कहां से रही है? इस भूकंपन का स्रोत कहां से है, सबसे पूर्व मुझे ये ज्ञात करना होगा।
आप उचित कहते हैं। कुछ बहुत बड़ा घटित हो रहा है, हमें शीघ्र वहाँ पहुँचना चाहिए। भैया ऋषिवर, हम माँ के अंतर्ध्यान होने के रहस्य को ज्ञात कर शीघ्र लौटेंगे। प्रथम पूज्य गणेश जी, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। अवश्य ऋषिवर, प्रणाम। जो भी है, इस बार मैं संसार पर कोई संकट नहीं आने दूंगा। इस घटना को महासंकट बनने के पूर्व ही रोकूंगा मैं। भैया, ये ध्वनि इसी मार्ग से आ रही है, हम उचित मार्ग पर अग्रसर हैं। हमें कैलाश को पार कर उसके आगे जाना होगा। क्या हुआ मूषक जी, क्या आपको भी किसी संकट का आभास हुआ? नहीं प्रभु, मैं तो बस पिछली बार का स्मरण कर सागर के ऊपर जाने से विचलित हो रहा हूँ। पूर्व में आपने मुझे सागर में प्रवेश करने का आदेश जो दिया था प्रभु। चिंता मत कीजिए मूषक जी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें वायु मार्ग से ही आगे बढ़ना है। उचित है प्रभु। गणेश, ये शीघ्रता करने का समय है, तो तुम अपनी गति धीमी क्यों कर रहे हो? भैया, गति मैंने नहीं, मूषक जी ने घटाई है। सागर को देखकर उन्हें आशंका हो रही है कि कहीं मैं उन्हें पुनः जल में उतरने का आदेश ना दे दूं, और कदाचित वो थोड़े थक भी रहे हैं भैया। वहाँ जो भी हो रहा है हमें ज्ञात नहीं, इसीलिए गति धीमी करने का तो कोई औचित्य ही नहीं। हमें शीघ्र अति शीघ्र वहाँ पहुँचना चाहिए, और इस प्रकार की वहाँ किसी को भी हमारे आगमन की सूचना ही ना हो। मूषक जी, अपने दोनों हाथों से मेरे मयूर जी की पूंछ पकड़ लीजिए। उचित है, इसी प्रकार थाम कर रखिए। हाँ हाँ उचित है, देव सेनापति कार्तिकेय जी, धन्यवाद। मयूर जी, तीव्र गति से आगे बढ़िए। इतनी तीव्र गति मैं संभाल नहीं सकूंगा। आपने उचित उपाय किया है भैया, अब हम शीघ्र उस कंपन और ध्वनि के स्रोत तक पहुंच जाएंगे। अब ऊपर चलिए मयूर जी। मूषक जी, अब तो आपको पर्याप्त गति प्राप्त हो चुकी है ना? इसलिए अब मयूर जी को छोड़ दीजिए और इसी तीव्र गति से आगे बढ़ते रहिए। जो आज्ञा प्रभु। भैया वो देखिए वहाँ। उचित कहते हो गणेश, कदाचित उस भूकंपन का स्रोत यही स्थान है। मयूर जी,
यहीं रुकिए। रुकिए मूषक जी। भैया यहाँ तो असंख्य असुर एकत्रित हो रहे हैं, अवश्य किसी बड़े अनिष्ट का संकेत है ये। गणेश उचित कहता है, असुरों की यह सभा किसी शुभ कार्य के लिए हो यह असंभव है। भैया इतनी भारी संख्या में इन असुरों का यहाँ होना इनकी किसी अनिष्टकारी योजना का ही संकेत है। योजना जो भी हो गणेश, मैं उसे कभी क्रियान्वित नहीं होने दूंगा। उन्हें इन असुरों को सृष्टि की शांति कदापि भंग नहीं करने दूंगा मैं। भैया रुकिए। बुरे का अंत करने में प्रतीक्षा क्यों गणेश, मैं अभी जाकर इन असुरों का वध कर देता हूं। रुकिए भैया। भैया स्वयं पर नियंत्रण रखिए, हम यहाँ इन असुरों का वध करने नहीं अपितु ये ज्ञात करने आए हैं कि माँ ने माता मातंगी का रूप क्यों धारण किया, फिर उनसे माता कौशिकी का आविर्भाव क्यों हुआ। भैया माता श्री महाकाली के रूप में माँ ने हमें अपनी लीला सुनाई, किंतु इस एक प्रश्न का उत्तर दिए बिना वो अंतर ध्यान हो गई, और फिर हम उनसे और पिताश्री से संकेत पाकर यहाँ पहुँचे, अर्थात हमें हमारे प्रश्न का उत्तर यहाँ प्राप्त होगा। इसलिए आप शांत रहिए भैया। किंतु गणेश वहाँ भीतर हो क्या रहा है ये जानने हेतु हम भीतर जाएं भी तो कैसे। यदि हम अपने सामान्य रूप में वहां गए तो इन असुरों की दृष्टि हम पर अवश्य पड़ेगी ही पड़ेगी, तो क्या करें हम। अब क्या भिन्न रूप धारण कर भीतर जाएं? भिन्न रूप, ये उचित कहा है आपने भैया। गणेश तुमने कोई सुझाव नहीं दिया। गणेश गणेश कहाँ चले गए हो तुम, अभी तो यही था। कार्तिकेय जी, वो देखिए प्रभु गणेश जी वहाँ। मूषक जी कहाँ संकेत कर रहे हैं, कहाँ है गणेश? भैया मैं यहाँ हूँ। गणेश ये क्या कर लिया तुमने? क्यों भैया मेरी युक्ति उचित नहीं लगी आपको? हम सूक्ष्म रूप धारण कर भीतर जा सकते हैं और वहाँ क्या हो रहा है ये भली भांति ज्ञात कर सकते हैं। तुम्हारी युक्ति तो उचित है ही गणेश, और तुम्हारी चतुराई भी सराहनीय है। देखा भैया अब हमें कोई नहीं देख सकेगा। प्रभु आपने तो सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, किंतु मैं क्या करूं? यदि मैं इसे भीतर गया तो यह असुर मुझे जीवित ही अपना आहार बना लेंगे। प्रभु मैं असुरों का भोजन नहीं बनना चाहता। प्रभु मूषक जी आपसे कौन कह रहा है भीतर जाने के लिए? आप और मयूर जी यहीं पर प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि आप दोनों यहीं सुरक्षित रहेंगे। उचित है प्रभु। चलिए भैया।
गणेश मेरे निकट ही रहना। भैया, इन विशालकाय असुरों से मेरी दृष्टि बाधित हो रही है, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। हमने भीतर आने के लिए ये सूक्ष्म रूप तो धारण किया, किंतु इस प्रकार तो इस रूप में हम कुछ भी नहीं ज्ञात कर सकेंगे। भैया, हाँ गणेश, हमें आगे बढ़कर किसी ऊंचे स्थान पर स्थित होकर देखना चाहिए कि ये असुर यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं। हाँ भैया, यही उचित होगा। चलो गणेश। तो घिरते जा रहे हैं इन असुरों के पैरों से बचकर गणेश। हाँ भैया, किंतु भैया इन असुरों के पांव तो गतिमान हो रहे हैं, हमें ध्यान रखना होगा भैया। अवश्य गणेश। अब ये कैसी ध्वनि थी? ये भाला यदि हमसे टकराया तो हमें क्षति पहुंचा सकता है। बचो अनुज। अनुज तुम ठीक तो हो ना? अब हम किस ओर से निकलें भैया? भैया, ये असुर तो अपना शस्त्र बार बार भूमि पर पटक रहे हैं, इस प्रकार तो ये भेद देंगे हमें, हमारा आगे बढ़ना कठिन है। जो भी हो गणेश, हमें आगे तो बढ़ना ही होगा, किंतु सावधानी से आगे बढ़ो। भैया ध्यान से। संभव है भैया शांत रहे। गणेश, मेरा अनुसरण करने के लिए तैयार रहो। इन असुरों से बचकर आगे निकलने का एक ही उपाय है। समझ गया भैया। आगे बढ़ो गणेश, अभी। मैं भी आपके पीछे आ रहा हूँ भैया। भैया संभल कर। हमारा संदेह उचित था, इन भांति भांति के असंख्य असुरों की ये सभा अवश्य किसी बड़ी भावी अनिष्टकारी घटना का संकेत है। हाँ गणेश, किंतु यहाँ से भी कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। भैया, हमें इन सीढ़ियों के ऊपर जाना चाहिए, वैसे भी इन असुरों का मुख सीढ़ियों की ओर ही है। यदि एक बार हम ऊपर पहुंच गए तो संपूर्ण दृश्य स्पष्ट हो जाएगा, और साथ ही हमें ये भी ज्ञात होगा कि इन सीढ़ियों के शिखर पर क्या है। उचित कहते हो गणेश, तो चलो सीढ़ियों की ओर चढ़ते हैं।
हमारे मार्ग में बाधा कैसे बन सकते हैं? इसे तो मैं एक ही बार में काल के गाल तक पहुंचा दूंगा। ये क्या? भैया तो आवेश में आ रहे हैं, कहीं क्रोध में आकर वो इन असुरों पर आक्रमण ना कर दे। यदि ऐसा हुआ तो हमारे यहाँ आने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। वो हमें कभी ज्ञात नहीं हो पाएगा जो हम ज्ञात करना चाहते हैं। भैया नहीं! संकट के समय विपरीत परिस्थिति में केवल युक्ति से काम लेना चाहिए, अन्यथा बड़ी हानि हो सकती है।